अस्सलाम वालेकुम व्यूज, मिस्टर मोबाइल सॉल्यूशन में खुश आमदे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा सैमसंग SA बैटरी टेम्परेचर टू लो शो क्यों करता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चलें दोस्तों, हम इसे खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये बैटरी टेम्परेचर टू लो क्यों शो कर रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने इसकी चार्जिंग स्ट्रिप चेक की है, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। सो दोस्तों, बैटरी के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, इसमें एक कैपेसिटर होता है। अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट भी हो तो इस वजह से भी बैटरी टेम्परेचर लो बताता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करके चेक करते हैं। दोस्तों, हमने स्ट्रिप निकाली है और ये स्ट्रिप होती है इसकी, देखें इसमें ये एक छोटा सा कैपेसिटर होता है। अगर ये शॉर्ट हो तो इस वजह से भी बैटरी टेम्परेचर लो बताता है। सो हम इसे चेंज करके चेक करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये कैपेसिटर आपको J3 मोबाइल है जो इसमें मिल जाएगा, ठीक है, आप इसे निकाल के लगा सकते हैं। दोस्तों, कैपेसिटर चेंज कर दिया हमने। चलो हम अब चार्जिंग निकाल के चेक करते हैं कि ये अभी भी शो करता है कि नहीं।
दोस्तों ये हमने चेंज किया। देखिए दोस्तों अभी भी ये वही प्रॉब्लम कर रहा है, बैटरी टेम्परेचर लो बता रहा है। सो हम इसे दोबारा चेक करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इसका कैपेसिटी चेंज भी किया है, ये फिर भी वही प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो दोस्तों मैंने इसकी स्ट्रिप दोबारा निकाल के चेक की है, इसकी स्ट्रिप साइड से थोड़ी सी ब्रेक थी, जिसकी वजह से ये करंट इसका पास नहीं हो रहा था कैपेसिटर में। तो मैंने इसके पॉइंट सामने किए, ये देखें यहाँ से ब्रेक थी, ये देखें दोस्तों, जिसकी वजह से ये करंट में करंट पास नहीं हो रहा था। सो दोस्तों हम करंट पास करने के लिए इसकी जंपिंग करेंगे, जंपिंग करके हम दोबारा इसको चार्ज लगाते हैं और चेक करते हैं कि चार्ज होता है कि नहीं। देखें दोस्तों ये साइड से जो ब्रेक थी स्ट्रिप, इसकी जंपरिंग हमने मुकम्मल कर ली है। तो अब हम मीटर में इसकी रीडिंग चेक करते हैं कि ये इसका करंट पास हो रहा है कि नहीं कैपेसिटर में, हम रीडिंग चेक करते हैं। दोस्तों मैंने इसकी रीडिंग चेक की है, अभी ये रीडिंग सही बता रहा है, इसका कैपेसिटर में जो करंट जा रहा था, करंट पास हो रहा था, वो अभी सही बता रहा है। चलो हम इसकी फिटिंग करके चेक करते हैं। देखें दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हल हो गई है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।